हेलो दोस्तों, मैं हूं सहनशाह बख्शी और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है बजाज चेतक। जी हाँ, ये वही बजाज चेतक है जिसको 1972 में लॉन्च किया गया था, बट इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है और जो ये वेरिएंट है ये 2901 होने वाला है। तो ये 2901 क्या है, यहाँ आपको जो बैटरी मिल जाती है वो 2.9 किलोवाट आवर की मिल जाती है और ये 01 जो है बजाज इसे अपना मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर मानता है जो इस प्राइस रेंज में आपको मिलने वाला है। तो इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और बात करेंगे इसके रेंज के बारे में, इसके पावर के बारे में, टॉप स्पीड क्या होने वाली है और इसके डिजाइन के बारे में। तो वीडियो को इन तक आप जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो करोल बाग बग्गा लिंक पे आप आएंगे, आपको यहाँ अच्छे ऑफर्स दिए जाएंगे, आपको एड्रेस मिल जाएंगे सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज चेतक 2901 का जो प्राइस होने वाला है, वो अगर ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो 1,08,000 होने वाला है, जो कि इस प्राइस में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर इसके पावर फिगर की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको पावर मिलता है वो 4.2 किलोवाट का आपको मोटर मिल जाता है जो कि पीक टॉर्क निकालने वाला है 20 न्यूटन मीटर का। बाकी यहाँ जो बैटरी मिल जाती है आपको 2.9 किलोवाट आवर की आप बैटरी मिल जाती है। और बैटरी चार्ज करने की बात कर लें तो आपका जो यहाँ बैटरी चार्ज है, अगर आपका 20% बैटरी चार्ज है तो 20 से 100% चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 0 से 100% बैटरी चार्ज करते हो तो उसमें आपको 6 घंटे का टाइम लग जाएगा। आप डिज़ाइन देखेंगे स्कूटर का, जो फ्रंट्स है ये रेट्रो लुक में मिलने वाला है। यहाँ जो आपको हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको सराउंडिंग शेप में देखने को मिल जाएगा, ये आपको 2 चैम्बर्स में देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट LED के अंदर में हेडलैम्प होने वाला है, साथ साथ इनसाइड में आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ आपके DRL के डिज़ाइन है जिसका एल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है और इसके ऊपर में आपको मेटेलिक ब्लैक का आपको यहाँ पे गार्निश देखने को मिल जाएगा। वाइजर जो है इसकी अच्छी क्वालिटी होने वाली है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड है ये, तो रिलायबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। नीचे की तरफ आप आते हो तो इसका जो फ्रंट में पार्ट्स दिए गए हैं ये सारे आपको मेटल्स के अंदर में है। चेतक के अंदर हमें आपको 95% मेटल का यूज़ किया गया, कहीं कहीं आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपके नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाते हैं और यहाँ पे जो आपका ये डिजाइनिंग एलिमेंट्स है इसको आप वेंट कह सकते हो, ये काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन रखा गया, ये भी मेटेलिक ब्लैक के साथ होने वाला है। और नीचे में आपको यहाँ पर चेतक की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। बात कर लें इसके टर्न सिग्नल्स की तो यहाँ पर आपको LED के अंदर में टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे और साथ साथ जो इसके ऊपर आपको मेटेलिक ब्लैक का एक आपको यहाँ पे इंसर्ट देखने को मिल जाएगा जो और भी अच्छी प्रीमियम लुक देती है इसको। साथ साथ यहाँ पे जो आप ग्राफिक्स देखेंगे ये अब अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इस साइड भी ग्राफिक्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो इसका मड गार्ड है मेटल के अंदर में होने वाला है, बहुत ही हार्ड है ये और इसका जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे यहाँ पे कट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट व्हील की बात कर लें तो यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है, ये 90x90 R12 का टायर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंगल साइड सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो अलॉय का डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा रखा गया है, मैं आपको इस साइड से दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे जो टर्बाइन शेप में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है और यहाँ पे कोई भी आपको डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। और बात कर लें रियर प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्लिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सीट इंड हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर सीट इंड हो रहा है, लेकिन इसके नीचे जो इसका ये डिज़ाइन है ये कर्वी सा डिज़ाइन काफ़ी स्लिक है, बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। यहाँ पर आपको टेल लैम्प जो है ये फुल्ली LED के अंदर में, साथ साथ आपके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड हैं और यहाँ पे आपको मेटेलिक ब्लैक की गार्निश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका वही डिज़ाइन है जो फ्रंट में आपको देखने को मिला था, यहाँ पे चेतक की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। बाकी रियर में आपके जो मड गार्ड हैं इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, सही है ये, फ्लेक्सिबल होने वाला है। बाकी रिफ्लेक्टर अगर आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है आपके और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है, यहाँ आप अपने नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। बाकी जो गाड़ी का सीट है ये सीट की तरफ अगर देख लें तो सीट के ऊपर भी आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा रखा गया है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, मतलब जो आपका राइडर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, साथ साथ पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, दो लोग बड़े आराम से इस सीट पर बैठ सकते हैं। बाकी ग्रैब रेल का कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है आपको। बाकी अगर साइड लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं साइड का जो लुक है ये काफ़ी अच्छा है, ये जो आपका यूनिट है ये सिंगल यूनिट होने वाला है जो कि मेटल के अंदर में है और बहुत ही अच्छी इसकी रिलायबिलिटी होगी क्योंकि इसका जो पार्ट है ये हर जगह आपको मेटल का इस्तेमाल किया हुआ दिख जाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा।
यहाँ आपको साइड स्टैंड मिल जाते हैं जो इंजन कट ऑफ के साथ होने वाला है। बाकी यहाँ जो आपका मोटर है इसके ऊपर भी चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और ऊपर में आपको यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स हैं जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम देखने वाली है ये स्कूटर। बाकी फुटबोर्ड एरिया को आप देख लेंगे तो फुटबोर्ड एरिया काफ़ी इसका फ्लैट है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन रखा गया। बाकी फुटबोर्ड एरिया को हटाने के बाद आपको चेसिस नंबर वगैरह इसके नीचे देखने को मिल जाएंगे। अगर डैशबोर्ड की तरफ देख लें तो यहाँ पे आपको अच्छे स्पेस मिल जाते हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अब अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं ऑन द वे, तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पे भी एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आप वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हो। अगर यहाँ पे की बात करें तो आपको बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे की देखने को मिल जाएगा, ये वेब की ही है, बट ये यहाँ आपको कोई भी स्मार्ट की नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, इसको यहाँ सिंपली लगा सकते हैं, और आगे की तरफ आप ऑन करते हो तो ये आपकी इग्निशन ऑन हो चुकी है। और यहाँ देख लेते हैं हमें हैंडल ग्रिप पे क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ जो हैंडल ग्रिप देख सकते हैं इसका भी डिज़ाइन अच्छा है, ठीक ठाक सा आपको यहाँ पे ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपके फ्रंट ब्रेक हैं, आपका जो रियर साइड मिरर है इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होने वाला है, आपका विजिबिलिटी काफ़ी इसमें अच्छी मिल जाती है। बाकी यहाँ आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे, बटन्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपके लेफ्ट साइड में भी जो काफ़ी सारे बटन्स हैं ये सब की बात अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ आपका ड्राइव मोड मिलने वाला है, यहाँ आपके न्यूट्रल है, यहाँ आपके रिवर्स मोड, यहाँ राइट के लिए जो आपके इंडिकेटर हैं वो राइट साइड में मिलने वाले हैं, और लेफ्ट के लिए इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट साइड में मिलने वाले हैं। तो ऐसे सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं आपको, यहाँ आपके हाई बीम लो बीम के कंट्रोल यहाँ से हैं आपके, और हॉर्न का प्लेसमेंट यहाँ पे किया गया है, अच्छा खासा लाउड इसका हॉर्न होने वाला है। बाकी यहाँ पे आपके कॉल को अगर आप पिक करना चाहते हो तो कॉल यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, बाकी म्यूजिक के कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। इसके अंदर एक कमी है कि इस ब्राइटनेस काफ़ी कम है, अभी बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं है, फिर भी इसको देखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप अपने रेंज को देख सकते हैं, यहाँ आपकी बैटरी कैपेसिटी होने वाली है। अगर आपकी स्कूटर अभी न्यूट्रल है तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल शो करेगा, और यहाँ पर ऊपर में आपको टाइम वगैरह शो करेंगे, साइड स्टैंड अगर लगा हुआ है तो वो यहाँ पर शो करने वाला है। तो ये सी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ जो आपकी बैटरी अभी चार्ज है वो 96% चार्ज है, तो 96% बैटरी चार्ज में आपको 106 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। तो यहाँ डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर और भी अच्छी ब्राइटनेस होती तो ये और बेहतर हो सकता था। सीट एक्सेस करना है मतलब इसका अंदर सीट स्टोरेज आपको चेक करना है, तो सिंपली आपका जो यहाँ की है इसको थोड़ा प्रेस करके ऊपर की तरफ लेंगे, ये आपका ओपन हो चुका है, इसको सिंपली अब हम चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको इसके चार्जर वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो आपको यहाँ मिल जाता है। चार्जर जो है इसका ये कॉम्पैक्ट नहीं होने वाला, वो प्रीमियम के अंदर में हमने कॉम्पैक्ट चार्जर देखा है। यहाँ जो आपको अंदर सीट स्टोरेज मिल जाता है ये अराउंड 21 लीटर का मिल जाता है, इसके अंदर आप फुल साइज का हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हो, यहाँ आपको फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है चेतक के साथ, जो आप यहाँ अपने स्कूटर को चार्ज करके प्लस अपने सीट को भी बंद कर सकते हो, यहाँ जो इसके वायर हैं यहाँ से आपके बाहर आ जाएंगे, तो आपको सीट ओपन करके चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप इसको चार्ज कर सकते हो सीट लगा के भी। तो यहाँ पे बजाज ने अच्छा चीज़ दिया, बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिश वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ अब इसको हमने लॉक कर लिया है। बाकी अगर बात कर लें इसमें ड्राइव मोड की, तो आपको टू ड्राइव मोड मिलता है आपको, मैं वो चेक कराने वाला हूँ। सबसे पहले हमने इग्निशन ऑन कर लिया है, इग्निशन ऑन करते ही आपको सबसे पहले अपनी स्कूटर को ड्राइव मोड में लाना है, उसके बाद यहाँ जो आपका मोड्स वाला बटन है इसमें आपको दो मोड्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स मोड और आपके ड्राइव मोड, यहाँ से आप अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रेंज की बात करें तो यहाँ 123 किलोमीटर का आपको रेंज मिलने वाला है, और साथ साथ जो इसका टॉप स्पीड है वो 63 km पर आवर का आपको स्पीड मिल जाएगा, तो आपको स्पीड भी यहाँ ठीक मिल रही है। प्लस जो इनिशियल पावर है इसका स्पोर्ट्स मोड में वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, अब अपने स्पोर्ट्स मोड में मोड चेंज करके इसके अच्छे पावर्स ले सकते हैं, बट वहाँ आपको बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होने वाली है। तो आप कमेंट करके बताइए कि बजाज का ये मॉडल 2901 आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें और अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखें।